और भाई क्या हालचाल। मैं अंकुर राव। आज हम बात करेंगे आइसर के 60-55 छह चक्के घोड़े की, जिसमें वोल्वो का X8 इंजन लगा हुआ है। और जो भाई इसको चला रहे हैं वो इस गाड़ी से बहुत खुश हैं, क्योंकि इनको ना जबरदस्त माइलेज मिल रहा है और इससे इनकी काफी बचत हो रही है। तो अगर आप 55 टन में 6 टायर ट्रक लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो भाई चलिए अब आपको इस गाड़ी के जो उस्ताद जी हैं अपने, उनसे मिलवाते हैं और उनसे बात करते हैं कि भाई गाड़ी कैसी, क्या कुछ चल रही है, क्या माइलेज दे रही है और सारी बातों की इनसे पूछते हैं। अच्छा तो कहाँ से हो आप ये बताओ पहले तो। मैं बिहार से हूँ। आप बिहार से हो जी। तो कब से चला रहे हो गाड़ी आप? ये गाड़ी का हमको 6 महीना हो गया। 6 महीने से चला रहे हो? हाँ। अच्छा तो कितने किलोमीटर लगभग चला ली गाड़ी है? ये गाड़ी चल गई है 92,000 किलोमीटर। 92,000? अरे खूबी चला दी गाड़ी तो आपने। तो किस किस में चल रही है गाड़ी? ये गाड़ी चल रही छलिया में होगी अपना। हाँ। एक कॉयल हो गया, प्लेट हो गया, प्लेट कॉयल हो गया, इसी फ्लैट बेड में भी चलती है। हाँ सारे चीज में चलती है, जो अच्छा। माल मिल गया वो सारे में सब में चलती है। सब में चलती है। अच्छा अच्छा तो 6 चक्का घोड़ा और एक 10 चक्का घोड़ा भी आता है इसका? हाँ। आपका 6 चक्का घोड़े में नहीं? नहीं 10 चक्का में भी आता है और 6 चक्का में भी आता है। 6 चक्का में भी आता है तो 6 चक्का वाला बढ़िया है। हाँ बढ़िया। खिंचाई कैसी गाड़ी की? खिंचाई तो बहुत है। खिंचाई सही है? अगर ओवरलोड होगी तो भी खींच लेगी गाड़ी? ओवरलोड होगा फिर भी खींच ले। अच्छा चढ़ाई वढ़ाई आती है तो गाड़ी डाउन गियर तो नहीं लेती कि डाउन मारना नहीं, पड़े गियर को? कितना भी चढ़ाई हो जाए, जितना मर्जी हार सेक्शन हो जाए। हाँ। 2 नंबर 3 नंबर में चढ़ जाना, चढ़ जाती गाड़ी आराम से। चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा केबिन कैसा लगा गाड़ी का? केबिन भी अच्छा ही है। अच्छा ही है। कुछ कमी क्या, कुछ लगती है कमी क्या है इसमें? कमी तो अंदर से बताओ, बैठने में बताओ। आगे तो बढ़िया है, दिखने में तो सुंदर है केबिन, वो तो बढ़िया है चीज है, लेकिन अंदर बैठने में क्या कमी लगी आपको इसमें? अंदर में बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं है तो फिर चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ। बल्कि अंदर खाली सोने का जो व्यवस्था है वो हाँ। खाली छोटी दी हुई है, सोने की व्यवस्था छोटी है। हाँ। अच्छा वो बड़ी हो, कंपनी तो बढ़िया है वो, फिर केबिन सही है। हाँ ठीक। अच्छा अच्छा और गाड़ी माइलेज क्या कुछ निकाल रही है गाड़ी अभी? सबसे बड़ी बात तो ये है माइलेज इसमें देखिए, हम अभी गुजरात से हजीरा से चलकर बहादुरगढ़ जा रहा हूँ। अभी तक मेरा माइलेज 340 तक के आ चुका है। 340 का आ गया है। मीटर में दिखा रहा है या आपने मतलब वैसे चेक किया? नहीं मीटर में शो कर रहा है। अच्छा तो फिर आपको कितना क्या बच जाता है, मतलब पेट्रोल इसमें डीजल बच जाता है आपको? हाँ मैं ऑफिस पे जाता हूँ, हिसाब कराता हूँ, तो वो कंपनी की तरफ से इसमें बताता है कि तुम्हारा 100 लीटर प्लस आ गया। जो कंपनी मेरे से माइलेज लेता है उससे 100-120 लीटर प्लस हो जाता है। अच्छा तो मतलब अपनी आराम से आप बचत हो जाती है आपको? बढ़िया। चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा कमानी जो है इसकी, पट्टा कमानी बढ़वाई है या फिर कंपनी वाली चल रही है? नहीं वो कंपनी वाली ही चल रहा है। कंपनी वाली चल रही है। हाँ। आपने नहीं बढ़वाई आप बाहर से कुछ भी? अच्छा इंजन की सर्विस वर्विस वगैरह कैसी गई इस गाड़ी की? इंजन का ये पहला सर्विस 40,000 रुपए है। 40,000 रुपए करवाया पहला सर्विस? अच्छा। दूसरे का सर्विस 1,20,000 रुपए है। दूसरा 1,20,000 रुपए, 80,000 का हुआ है इसके अंदर गैप है किलोमीटर तो बड़ा है, सही है। अच्छा जो इसका जो एयर फिल्टर है, वो एयर फिल्टर केबिन के अंदर जो खोलते हैं उसको केबिन के अंदर दे रखा है, तो जब तक केबिन को उठाएंगे नहीं तब तक वो एयर फिल्टर खुलेगा नहीं? नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा ना, तो चोरी वोरी होने का डर नहीं है इसके अंदर? कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है उसकी। अच्छा डीजल कितना लीटर आ जाता है एक बार में इसमें फुल करवाने पर? इसको फुल करवाने का पूरा, अगर बिल्कुल इसमें अगर डीजल नहीं है 10 लीटर भी नहीं, इसमें 380 लीटर 380 लीटर आ जाता है। तो 380 गुजरात जब आप चले थे वहाँ से, तो बीच में भरवाया या फिर चलता आ रहा है वहाँ से? नहीं हम गुजरात से जब चले थे तो अपना गुजरात में ही फुल करवाए थे। फुल करवाया था। राजस्थान में तो महंगा है ना तेल? तो राजस्थान में नहीं करवाया कहीं भी लोड आती, डीजल डलवाने कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, गुजरात में डलवाइए, जिसके बाद फिर हरियाणा में पैसे डलवाइए। हरियाणा में तो बढ़िया काम है, ये पैसे बच जाते हैं इसमें, कंपनी के भी पैसे बच रहे हैं इसके अंदर। जी जी। अच्छा और ये बताइए गाड़ी के अंदर की जो कंपनी ने इसके अंदर जो SCR वाला सिस्टम दे रखा है, बाहर की साइड दे रखा है यहाँ पे जो साइलेंसर वाला सिस्टम है। जी जी। तो ये इसे कोई दिक्कत तो नहीं है? सही सेट कर रखा है, बहुत अच्छा है ये। इसे क्या है कि आग उग लगने का कोई संभावना नहीं है, कोई नहीं है। साइलेंसर इसका अंदर दिया है। हाँ। इसका कोई व्यवस्था आग उगने का साधन इसमें नहीं है। अच्छा ब्रेक व्रेक कैसे हैं गाड़ी के? ब्रेक भी ठीक है, बहुत अच्छा ब्रेक है, जहाँ मारिए वहाँ चिपक जाएगा, वहाँ चिपक जाएगा। अच्छा आगे इसके अंदर वो दे रखी है हिसाब से पैराबोलिक वाली, वो जो जगह वाली कमानी दे रखी है खुली वाली ना इसमें? बाई चांस अगर आपका मेन पट्टा अगर टूट भी गया, फिर भी आपका गाड़ी अस्थायी जगह पे 50-100 किलोमीटर जा सकते है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रेट वेट पता है क्या, क्या कुछ मिली थी मालिक को? रेट तो खैर इसमें हम तो ड्राइवर आदमी है। हाँ। हम लोग का अंदाजा नहीं मिल पाता है कि नहीं रेट क्या है। हाँ। बल्कि इतना है कि 32 प्लस है। 32 प्लस है। हाँ।
फिर इसमें तीन वाइपर दे रखे, आपने देखा और गाड़ी में दो आते हैं इसमें तीन आते हैं, तो कुछ बढ़िया है कि नहीं है? सिंगल कांच है इसके लिए, इसमें तीन वाइपर आता ही है, अच्छा के लिए, बरसात अच्छा है बारिश के लिए, तो मतलब ये बढ़िया वो देता है, कवरिंग बढ़िया देता है, साफ करता है, बढ़िया साफ करता है, इसके लिए तीन वाइपर आता है इसमें, दो वाइपर। लाइट आपने एक्स्ट्रा लगवा रखी है इस गाड़ी में, ये लाइट कम है क्या इसका प्रो? रात को लाइट उसमें खराब हो गया था, एक खराब हो गया था, तो इसके लिए इमरजेंसी में रखा हूँ, इमरजेंसी में रखा हूँ। वैसे इनका थ्रो बढ़िया है, उनको थ्रो वही सही है, बल्कि इमरजेंसी में रखा हूँ। अच्छा, वो इमरजेंसी को खराब हो जाए, कोई बात हो जाए रात को, तो आप वो जला लो? ये जल सकती है, अगर कोई स्विच का प्रॉब्लम हो गया तो इमरजेंसी में ये काम चल सकता है, चल सकता है, मतलब बढ़िया है काम कुल मिला के। और गाड़ी में जो गियर है, कितना गियर दे रखा है इसमें? 10 गियर है, 10 गियर में जी। तो क्रॉलर गियर भी दे रखा होगा इसमें? लो गियर है, लो क्रॉलर ना। हाँ। तो वो लगाने के बाद गाड़ी ऐसे कोई चढ़ाई वढ़ाई कहीं रुकती है गाड़ी? वो गाड़ी कहीं लगाने का जरूरत नहीं पड़ता, नहीं पड़ा आज तक कभी, कभी नहीं। अगर बाई चांस कहीं गाड़ी घास सेक्शन में अगर खड़ा हो गया, जहाँ पे अगर नहीं उठ रहा जाम जुम है, वहाँ पे सी गियर लगाई है, बाकी जरूरत नहीं है, बाकी कहीं नहीं। अच्छा, माइलेज में आप खुश हो गाड़ी से? माइलेज मैं तो चला रहा हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश हो? तो गाड़ी चलने में कैसी है? वैसे आराम चलने से में भी आराम है, 50 का स्पीड चलिए, नहीं शरीर के थकावन होगा। क्रूज कंट्रोल दे रखा है इस गाड़ी में, लगाया और उसके ऊपर गाड़ी चलती जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार रेस पे पैर रखना नहीं, ब्रेक दबाना नहीं बार बार, जी जी वो बढ़िया है। तो गाड़ी से खुश हो आप कुल मिला के? मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हो। अच्छा, एक बात और बताओ, टाटा अशोक लीलैंड आइसर और एक भारत बेंज, इनमें से क्या बढ़िया, आपको कौन सी बढ़िया लगती है? अपने मन से बताओ। मैं तो अपने मन से बता रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ अपने ड्राइवर लाइन में, जब से मेरे को आइसर ही पसंद है, आइसर पसंद है। अब बाकी और भी कोई ड्राइवर होगा तो जो अच्छा गाड़ी, टाटा गाड़ी बढ़िया लगती कैसी है? नहीं, टाटा भी सही है अपनी जगह पे, ये भी सही है अपनी जगह पे। जो टाटा चलाते है उसको टाटा अच्छा लगता है। जो फिर पहले एक बात ये रहती थी कि भाई टाटा की गाड़ी है ना, उसने रात को हिल्ला मार दो, रुका मार दो, सुबह तक गाड़ी बिक जाती थी गाड़ी, मतलब इतनी है भाई गाड़ी, कभी बेचने निकलोगे मार्केट में तो बिक जाती है गाड़ी। नहीं, बल्कि वो सिस्टम आप नहीं है, अब नहीं है। क्यों? वो सिस्टम नहीं, वो नहीं बेच पाओगे आप। क्यों? कारण? कारण क्या है कि ये बिकता ही नहीं है, हम और आप कहीं पे भी बेचेंगे तो नहीं बिकेगा। अब नहीं बिकता। फिर ये बात कैसे कर, कैसे वो लोग करते है जिसको बाद में कोई सेटिंग होता है। अब तो वैसे भी सब जगह डीजल गाड़ी 10 साल ही कर दिया लगभग, तो अब 10 साल में टाटा के ले लो, राइसर के ले लो, जो बचत कर रही है गाड़ी वो लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए, सही बात है ना जी जी। इसमें दो पैसा आदमी को बच रहा है, मालिक को बच रहा है, गाड़ी तो वही लेनी चाहिए, उसमें फायदा है, बाकी कोई फायदा है नहीं। अभी तो टाटा से बिल्कुल अच्छा ही है कि टाटा जो माइलेज निकाल देगा वो माइलेज टाटा ने निकाल, वो नहीं निकालेगा। तो आप खुश हो भाई गाड़ी से? ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए, आपने इतनी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।